अभी हम देख रहे हैं कि एक एमसीक्यूज का जो एम्युलेटर है हम कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर, कि जिसमें स्टूडेंट का एक डेमो बन जाए कि वो जैसे सही आंसर पे जब क्लिक करे तो वो करेक्ट आए और गलत आंसर पे क्लिक करे तो गलत आए। तो इसके लिए देखिए हमने एक क्वेश्चन दिखाना है, तो मैंने यहाँ बना भी रखा है कि एक क्वेश्चन ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, उसके नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर तीन चॉइसेस आए और उस पर वो सेलेक्ट करे, नेक्स्ट एंड बैक के बटन भी बने हुए आए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉप पे डिजाइन करना है अपना ये जो एमसीक्यू टेस्ट है वो किस तरह का होगा, क्या चीज है। तो इसके लिए एक इंसर्ट में जाके हमने यहाँ पे शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट में जाके एक शेप बना लिया और उसमें हमने इस शेप को इस तरह से प्रॉपरली डिजाइन कर लिया और इसका एक कलर स्कीम हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज टू भी इस तरह की कलर स्कीम ले ली और उसके ऊपर या कुछ इस तरह की या कोई लाइट कलर स्कीम ले ली इस तरह की, और उस पर राइट बटन दबा के एडिट टेक्स्ट करके उस पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस पर लिख रहे हैं MS PowerPoint या Microsoft PowerPoint MCQs Test, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के बाद सेलेक्ट कर लिया इसको, के यहाँ से फॉन्ट साइज को हमने थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया और थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग को भी यहाँ पे डाल दिया ताकि कुछ इस तरह से पूरे उस पर फैला हुआ नजर आए। उसके बाद यहाँ से चले गए शेप फॉर्मेट के ऊपर, यहाँ से हमें टेक्स्ट मिला और यहाँ पे हमने क्लिक करके आइकन डिस्कनेक्ट हो गया ये। तो यहाँ पर आने के बाद हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके हमने इसके जो टेक्स्ट थे उसको यहाँ पे व्हाइट कलर देके और थोड़ा बोल्ड कर दिया, थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड थोड़ा हल्का हल्का फीका सा लग रहा था उसके अंदर थोड़ा डार्क कलर डाल दिया हमने यहाँ से इस तरह का, तो ये ज़रा खूबसूरत सा इम्पैक्ट इसके ऊपर क्रिएट हो गया। तो ये हमने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट MCQ टेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन जनरेट करना है, क्वेश्चन जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, इंसर्ट में गए, यहाँ पे क्लिक करके एक शेप क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल वो शेप कुछ इस तरह का था, जैसे कि हमने ये शेप इस तरह से बनाया कि जिसके अंदर वो पूरा क्वेश्चन आ जाए। अब क्वेश्चन के दिखाने के लिए हमने क्या किया कि इसको शेप को जाके अंदर से नो फिल कर दिया और स्ट्रोक पे जाके वाइट कलर के डॉट्स लगा दिए और स्ट्रोक को वाइट कलर दे दिया, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। डॉट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम डैशेस को थोड़ा सा इस तरह से कर दिया ताकि थोड़ा और डेट दूर दूर से डैशेस नजर आएंगे, और दूर करेंगे तो इस तरह से और दूर करेंगे तो ऐसे नजर आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यही बेहतर है। और इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ से हमने डैशेस पे क्लिक किया और वेट को थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देने लग गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर क्वेश्चन को डिस्प्ले करना है तो इंसर्ट में जाके हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया या वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, तो वर्ड आर्ट में हमें क्वेश्चन दिखाना है तो इस तरह का वर्ड आर्ट लेके हमने यहाँ पे सेट किया और इसके जो क्वेश्चन का बॉक्स है उस इसी के अंदर बॉक्स के अंदर सेट कर दिया। अब वो ऑटो एडजस्टमेंट पे है ताकि खुद ही छोटा बड़ा होगा क्वेश्चन, तो उसको सेंटर में सेट कर दिया इसके, क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल ए दबाया और उसको कंट्रोल ए दबाने के बाद फॉन्ट साइज को रिड्यूस करके 40 पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे एक मसला आएगा कि ये जो वर्ड आर्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये ऑटो एडजस्टेबल होता है, तो इसको राइट बटन दबा के यहाँ से हम चले जाएंगे फॉर्मेट शेप के ऊपर और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड ऑप्शन मिलेगा। टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड यहाँ पर आके अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा होगा, रीसाइज शेप टू फिट द टेक्स्ट, डू नॉट ऑटो फिट, श्रिंक द टेक्स्ट ओवरफ्लो, डू नॉट ऑटो फिट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जब इसके टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ाएंगे तो ये देखें उतना बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स जितना बड़ा हम चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फॉन्ट का कलर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ शेप फॉर्मेट में जाके हमने फॉन्ट का कलर व्हाइट ही चूज करना है और उसकी आउटलाइंस को भी व्हाइट ही रखना है ताकि टेक्स्ट पे व्हाइट पूरा नजर आए। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, अब चाहते हैं कि ये क्वेश्चन भले सेंटर से टाइप हो रहा है तो ठीक है, वरना उसकी भी लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं सेंटर से टाइप हो जाए, ठीक है। तो सपोज भी यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु डेवलप्ड एमएस पावर पॉइंट, यहाँ पर हमने इस तरह से क्वेश्चन को टाइप कर दिया। क्वेश्चन टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, शेप फॉर्मेट में गए और बल्कि हम यहाँ पे जाने के बाद अच्छा दोबारा से इस पे राइट बटन दबा के जाते हैं हम इसके अंदर फॉर्मेट शेप के अंदर और यहाँ पर वही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक और ऑप्शन है वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या आ रहा है, टॉप आ रहा है, इसको हम करने लगे हैं क्या मिडल, यानी कि क्वेश्चन सेंटर से लिखा जाए और टॉप और बॉटम पे ऑटो एडजस्ट होता रहे।
उसके बाद हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, ये चीज हमारी यहाँ पे इस तरह से क्रिएट होके आपको नजर आने लग गई है। अब बनाने हैं नीचे के टेक्स्ट बॉक्सेस के, वो किस तरह के होंगे और उसके अंदर आंसर्स जो है वो कैसे नजर आएंगे। तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। लेट सपोज इंसर्ट में जाके अगर हम एक जो पैटर्न है उसके हवाले से चले, तो पैटर्न के हवाले से तो हमें कोई ऐसा शेप चाहिए जो इस तरह का हो। सपोज तो भी इस तरह का शेप ले लेते हैं और उसको डिजाइन करते इस तरह से इसके ऊपर, ठीक है। और ये एक बनाने के बाद इसको हमने यहाँ पर इसके साथ सेट कर दिया। उसके बाद हमने शेप फॉर्मेट में जाके इस पे कलर अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो कलर सही रहेगा वो ये वाला कलर ले लिया इसके ऊपर। और कलर लेने के बाद इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाने हैं, तो हमने कुछ इस तरह का इफेक्ट भी इसके ऊपर लगा दिया। ये इफेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 3D इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे कुछ इस तरह का या इस तरह का इफेक्ट भी आप इस पर लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरह का इफेक्ट भी आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे रख के इसको इस तरीके से दिखा दें, एक गोल वाला एक पिल बन गया, ठीक है। इसके अंदर आंसर आएगा, तो आंसर इसके अंदर आना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम उसको यहाँ रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जब इस पे क्लिक होगा तो ये या रेड होगा या ब्लू होगा, वो तो बात की बात है, अभी येलो कलर हमने इस पे यूज किया है। अच्छा, अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाना है, या तो देखें इसके ऊपर राइट बटन दबाएं, एडिट टेक्स्ट करें तो टेक्स्ट इसके अंदर ही आ जाएगा। फॉन्ट के साइज को यहाँ से बढ़ा के 36 तक ले जाएं तो ये इसके अंदर फॉन्ट आ जाएगा। सपोज टू बी, अब आंसर का जो रिप्लाई है वो आपने इसके अंदर टाइप करना है। सपोज टू बी, हु डेवलप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल। अब यहाँ पर इसके अंदर जो फॉन्ट का जो कलर है वो बेसिकली क्या रहने वाला है, हमने यहाँ पे फॉन्ट का कलर कर दिया सपोज टू बी ब्लैक, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें होम में जाके लेटर स्पेसिंग को भी हमने वेरी लूज कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर भी इसके शर्ट को लगा दिया है। आंसर आ गया गूगल। कंट्रोल डी दबाएंगे, अब आप जैसे ही डुप्लीकेट करेंगे तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। तो ये इसके साथ रखना है और यहाँ पे रख लेना है, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आपने लिख लेना है एप्पल, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी दबा देंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पर हम रख लेंगे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन हमें बताने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके इंडिकेटर्स के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे गोल कलर के भी पिल्स बना सकते हैं, ए बी सी इसके अंदर लिख सकते हैं। और अगर उसको डिज़ाइन करना चाहें तो यहाँ से आप जाएंगे शेप के ऊपर और यहाँ पे एक सर्किल का शेप डिज़ाइन करेंगे, और उस सर्किल के शेप को यहाँ पर इसके साथ अलाइन करने के बाद एक उस पर कलर इफेक्ट्स डालेंगे, जैसा कि आप चाह रहे हैं, ये वाला या ये वाला, ठीक है, यही वाला कलर इफेक्ट सही रहेगा। अब इसके बीच में टेक्स्ट दिखाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी, यहाँ से एक वर्ड आर्ट लेना पड़ेगा और उस वर्ड आर्ट को ही यूज करके आप इसके अंदर दिखा सकेंगे। तो मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको पहले यहाँ पे रखें, कंट्रोल ए दबाइए। अब इसमें लिखना है ए, ठीक है, ऑप्शन ए, तो इसके ऊपर ऑप्शन ए को क्लिक करके हमने यहाँ पे इसके साथ उठा के ऐसे सेंटर में रख लेना है, ठीक है, ए ये आ गया, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, ये इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद इनका आपने क्या कर लेना है, राइट बटन दबा के ग्रुप कर देना है। तो ये देखिए, आपने इसको ग्रुप कर दिया, तो ये इस तरह से आपको नजर आने लग जाएगा। फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी करेंगे डुप्लीकेट, और अब यहाँ पे रखेंगे इसके नीचे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली बी। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसके अंदर टाइप क्या कर देंगे, बी, और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसका एक और डुप्लीकेट लेंगे कंट्रोल डी दबा के, और यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे सी, अब इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, दोनों को बैलेंस करने के लिए शेप फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और उसको कहेंगे अलाइन मिड। तो जैसे ही मिड करेंगे तो ये इसके मिड में सेट हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ, इस पर क्लिक करेंगे और अलाइन में जाके कहेंगे अलाइन मिड। तो जैसे ही अलाइन मिड करेंगे तो वो भी इसके मिड में सेट हो जाएगा, और जैसे ही शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अलाइन में जाके कहेंगे मिड, तो ये देखें ये इसके मिड में सेट हो जाएगा। अब ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ अलाइन है, और इन सबको सेलेक्ट करेंगे एक साथ और उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन पे जाके कहेंगे लेफ्ट या राइट जो भी करेंगे, तो ये एक साथ सेट हो जाएंगे, ये देखिए। तो अब इनके अंदर जो भी अलाइनमेंट का मसला था वो हल हो चुका है, अब इसमें कोई अलाइनमेंट का इशू नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो आप नीचे वाले को थोड़ा सेलेक्ट कर लें, इन दोनों को एक साथ, ये इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सेलेक्ट होकर डाउन एरो दबाइए, थोड़ा सा नीचे ले लीजिए इन दोनों को एक साथ, तो आप देखें बिल्कुल अलाइनमेंट इनकी एडजस्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल सही तौर पर आपको नजर आ रहे हैं। ये आपका डिजाइन बन गया जो कि आपको हेल्प करेगा अब रन करने में। अब अगला सेशन आएगा इसका नेमिंग का, कि इस पर नेम कैसे रखे जाएंगे। तो यहाँ पे होम में जाएंगे और होम में जाके सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, और सिलेक्शन पेन पे क्लिक करके जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं
इन दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, शिफ्ट के साथ कर लें, और इन दोनों को क्लिक करके शेफ फॉर्मेट में जाके इसको ग्रुप कर देंगे, तो ऐसे नजर आएगा। तो अब इसका नाम रख लेते हैं सपोज टू बी, ग्रुप का नाम रख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा QUESTION क्वेश्चन, और यहाँ से आपने इस पर क्लिक किया, और यहाँ से आपने इस पर डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे आपने लिख लिया ऑप्शन ए, ठीक है। और यहाँ पे इसका अच्छा ऑप्शन ए में सबका ऑप्शन ही रहेगा, तो हम यू रख लेते हैं AOPT या ऑप्शन, और फिर दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं बी ऑप्शन, ठीक है। और इस पे क्लिक करते हैं और इसका रख लेते हैं सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पर हमारे तीनों ऑप्शंस आपके नजर आने लग गए, ये क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शंस हो गए, ठीक है। ये तो इसका हो गया हमारा डिजाइन कंप्लीट जो हमने इसका बनाना था, ठीक है। अब आपने जो है आगे का काम खुद करेंगे या मैं करके बताऊं एनिमेशंस वाला, ठीक है। तो अब इसके लिए करना ये होगा कि एनिमेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन तो रख लिया हमने इसका, यहाँ पे एनिमेशन पेंटर पे जाएंगे, सॉरी एनिमेशन पेन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको दो इफेक्ट देंगे। इसको एक इफेक्ट हम देते हैं मिसाल के तौर पे ये ऑप्शन गलत है, तो एक तो इफेक्ट जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो ये करे पल्स करे, तो ये हमने कलर पल्स का ऑप्शन इसको दिया। कलर पल्स के साथ एड एनिमेशन में जाके ये अपना कलर चेंज करे, तो ऑब्जेक्ट कलर चेंज हम इसको यहाँ पे देते हैं। अब यहाँ पे दो, एक ऑब्जेक्ट कलर चेंज है और एक ब्रश कलर चेंज है, फॉन्ट कलर चेंज है। तो ब्रश कलर चेंज में क्या होता है ये देखिए, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया, ठीक है, अंडू कर रहा हूँ मैं। और ऑब्जेक्ट कलर चेंज में क्या हो रहा है ये देखिएगा, फॉन्ट का कलर इसमें भी चेंज हो रहा है, तो दोनों में फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है। बहरहाल अब इसमें क्या करना है, ये ऑप्शन आपने रखना है ऑन क्लिक पर और ये रखना है इसके साथ आफ्टर प्रीवियस पर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने सेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब ये जो एनिमेशन है ये कब परफॉर्म हो, ट्रिगर हो ऑन क्लिक ऑफ ऑप्शन कौन सा ये ए, जब इस पे क्लिक हो तो ये दो एनिमेशन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अब आपने इसके साथ भी यही करना है कि एक आपने इसके ऊपर क्या दे दिया, पल्स दे दिया, और फिर यहां से क्लिक करके आपने क्या दे दिया इसको नेक्स्ट करके ऑब्जेक्ट कलर चेंज, और उसमें आपने ऑब्जेक्ट कलर क्या रखा था, ये कि ऑब्जेक्ट कलर का जो कलर आपने रखा था ये ऑरेंज रखा था, इसमें हमने कर दिया रेड, ठीक है। और इसमें हमने क्लिक करके जो ऑब्जेक्ट कलर था उसमें हमने क्या कर दिया, उसको ग्रीन कर दिया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यही वाला जो एनिमेशन दो इस पे दिए हैं वही एनिमेशन जो हैं हमने यहाँ से एनिमेशन पेंटर से कॉपी किए और इसको दे दिए, ठीक है। अब इसके जो एनिमेशन है वो कब परफॉर्म हो इसमें भी देख लें, पहला एक ऑन क्लिक पे, दूसरा होगा दूसरा जो जाके होगा वो आफ्टर प्रीवियस होगा। तो इसके एनिमेशन क्लिक करके ट्रिगर होंगे ऑन क्लिक ऑफ ऑप्शन बी, और इसके एनिमेशन जो हैं वो क्लिक करेंगे यहाँ से और ऑन क्लिक करेंगे इस पर, और दूसरे को करेंगे आफ्टर प्रीवियस, और वो ऑप्शन कब क्रिएट होंगे, ट्रिगर ऑप्शन ऑन क्लिक ऑफ ऑप्शन सी। तो ये देखेंगे आपका क्रिएट हो गया। अब स्लाइड शो पर जाके देखेंगे तो जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा, ठीक है, अब जिसमें ग्रीन आ रहा है उसको क्लिक करेंगे और उसका ऑप्शन बी लेंगे और उसको आके यहाँ से रेड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और बैक करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ बटन्स रिक्वायर्ड होंगे, तो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा आगे की तरफ इसको मूव करें ताकि यहाँ पे कुछ स्पेस निकल आए ऑप्शंस को एडजस्ट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे दो बटन्स रिक्वायर्ड होंगे, तो बटन्स हमें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से हमने क्लिक करेंगे, यहाँ पे बने बनाए बटन्स नीचे मिल जाते हैं। ये बटन देखें, गो टू एंड का है, गो टू फर्स्ट का है, ये नेक्स्ट का है, तो ये नेक्स्ट का बटन लिया हमने, यहाँ से इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये बटन यहाँ बन गया और इसका काम है नेक्स्ट स्लाइड पर जाने का, ओके कर दिया। इसी तरीके से एक दूसरा बटन लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेफ्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक दूसरा बटन बनाएंगे इंसर्ट बैक का, और वो बटन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और ये क्या काम करेगा, प्रीवियस स्लाइड का, ठीक है। दोनों बटन्स का जो शेप है वो एक जैसा रखना है, तो एक को सिलेक्ट किया और क्लिक करके दूसरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे जाके इनके जो साइज को यहाँ पे एडजस्ट करना शुरू किया, 3 सेंटीमीटर दोनों की साइज हो गई और 3 सेंटीमीटर ही दोनों की विड्थ को डिसाइड कर दिया। तो दोनों का बटन का जो शेप है साइज है वो एक जैसा हो गया। यहाँ क्लिक करके दोनों बटन्स के ऊपर जो कलर्स हैं अगर वो अलग अलग लगाने हैं तो वो अलग अलग मैनेज करेंगे, बाकी अलाइन पे क्लिक करके अलाइन टॉप कर देते हैं ताकि दोनों मैनेज हो जाएं। डाउन एरो दबा के दोनों को हम नीचे ले आते हैं यहाँ कोने पर, और यहाँ पे रख के इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करके लेफ्ट वाले बटन क्लिक करके थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। दोनों बटन अलाइन से इस बटन के ऊपर किस तरह का ऑप्शन लगाना चाहेंगे
इस पे हम ऑरेंज लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा इफेक्ट्स पे जाके यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का दे देते हैं। ऑरेंज कलर अच्छा नहीं लगता तो इस पे आप कोई और कलर लगा सकते हैं, जैसे ये कलर लगा दे और इस पे भी क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाके इसको भी ये इफेक्ट दे दे पहले, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा डार्क कलर ये या सेम कलर ही लगा दे, तो ये लेफ्ट एंड बैक का काम करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपने ऐड करना है तो क्या करना है, उस पर राइट बटन दबाना है, डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करना है, दूसरी स्लाइड बन गई, यहाँ पे जाना है, क्वेश्चन चेंज करना है। तो यहां पर हमने आंसर्स पे क्लिक किया, ओके अब हमें डेफिनेटली पता है कि इसमें कौन सा आंसर सही करना है, इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद जाना है हमें एनिमेशन में, इफेक्ट को जाके इसको क्या कर देना है, यहाँ पे दोबारा से जो हमने लिया था उस पे ग्रीन कर देना है, और ये वाला जो है इसका जो इफेक्ट है ये वाला ऑप्शन टू वाला, इसको क्या कर देना है रेड है ये ऑलरेडी, और इस पे क्लिक करके इसका ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्या कर देना है, इसको भी रेड कर देना है। तो इस तरह से अब आपका काम बार बार करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर चेंज करने। तो ये पहला सवाल आ गया, इसके बाद उसने आंसर दिया, सपोज तो भी गलत हो गया, नेक्स्ट किया, उसके बाद फिर इसका आंसर उसने दे दिया और ये भी गलत हो गया, और इस तरह बैक करना है तो ये पीछे वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये।